Good morning, student. In this lecture, we will discuss about the manufacturing of bricks. Last lecture में भी हमने करा था, मैंने आपको बताया था manufacturing bricks की कैसे होती है. First आपका method होता है manufacturing में. First हम क्या करते हैं, preparation of clay. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, preparation of clay. Next है molding, next drying and burning. Preparation of clay में first क्या होता है, unsoiling process होता है. अनसॉइलिंग प्रोसेस में मतलब क्या करते हैं कि जो हमारा मतलब ग्राउंड सरफेस का टॉप सरफेस है उसमें हम क्या करते हैं 20 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि उसमें जो मतलब कुछ भी ग्रास हो, पेबल्स हो, कंकर, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. ठीक है, जो हमें मटीरियल्स नहीं चाहिए होता उसमें कंकर वगैरह होते हैं, उस 20 सेंटीमीटर लेयर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. उसके बाद होता क्या है, डिगिंग. डिगिंग में मैंने बताया था कि मतलब सॉइल को खोदते हैं, ठीक है, और उसको फिर क्या कर देते हैं, ग्राउंड में ऐसे फैला देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लीनिंग होता है. क्लीनिंग में मींस ये नहीं होता कि हमारे 20 सेंटीमीटर सरफेस पे ही कंकर वगैरह हो, 20 सरफेस सेंटीमीटर सरफेस के नीचे भी कुछ हो सकता है, कंकर वगैरह हो सकते हैं, तो उसको क्लीन करने को क्या बोलते हैं, क्लीनिंग बोलते हैं. ठीक है, जो भी वेजिटेटिव मैटर होता है, कुछ भी होता है, उसको क्लीन कर देते हैं, तो उसको क्लीनिंग प्रोसेस बोलते हैं. नेक्स्ट वेदरिंग होता है. ठीक है, वेदरिंग में क्या करते हैं, हम जो क्ले होती है उसको मतलब सॉफ्ट बनाने के लिए हम खुला छोड़ देते हैं. ठीक है, तो उसको वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं. और नेक्स्ट होता है आपका ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग मीन्स आपकी मैंने बताई थी जो ब्रिक केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें क्या क्या होता है. ठीक है, सिलिका ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वगैरह. ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी मतलब उसमें केमिकल ऐड ना हुआ हो तो ब्लेंडिंग प्रोसेस में हम क्या कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. तो कोई भी कंपोनेंट अगर मिक्स नहीं हुआ, कुछ भी रहता हो, ठीक है, तो उस ब्लेंडिंग प्रोसेस में हम उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं. ठीक है, तो उसको ब्लेंडिंग प्रोसेस बोलते हैं. नेक्स्ट होता है टेम्परिंग. टेम्परिंग मीन्स गूंथना. ठीक है, उसको टेम्परिंग प्रोसेस बोलते हैं. टेम्परिंग मतलब रिक्वायर्ड वाटर जो होता है सॉइल में मिलाकर उसको हम टेम्परिंग करते हैं. ठीक है, टेम्परिंग किससे करते हैं, पग मिल से करते हैं, उसको पगिंग प्रोसेस बोलते हैं. पग मिल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था पग मिल कैसा होता है. ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसमें ब्लेड लगे होते हैं और वो ऊपर से क्या करता है, रोटेट करता है. तो जब हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं और सॉइल ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उस वो क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, घूम, ये देखो ऐसे बना हुआ है ना, ये ऐसे इसको घुमाते हैं. Student, is that clear? Next, ये देखो पगिंग ऐसे करते हैं. ठीक है, ये ऐसा होता है, ये बीच में जो है ये वाले होते हैं, इसमें ब्लेड लगे हुए होते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, गूंदते हैं ये ऊपर से.